नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा PGCIL के बारे में। तो PGCIL एक्चुअली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड से आपको जो टोटली रिक्रूटमेंट कर रहा है वो 1100 प्लस। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले भी पावर ग्रिड के ऊपर एक जॉब अपलोड कर मतलब इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने देखा है। और इस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा डिटेल्स देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स डिस्कस करूँगा किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसीड्योर क्या है, इस जॉब का नोटिफिकेशन क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और हाँ, आप इस जॉब के लिंक चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको प्रीवियस जॉब, आज का जॉब, अपडेट जॉब भी मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो टोटली जो जॉब है ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में ही आपको जॉब मिलेगा। 1151 वैकेंसीज है, जिनमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग रीजन मतलब रीजियन में अलग अलग लोकेशन में आपको जॉब मिलेगा। जैसे हरियाणा में 47, नॉर्दर्न रीजियन में 142, नॉर्दर्न रीजियन 2 में 152, नॉर्दर्न रीजियन 3 में 995, ईस्टर्न रीजियन में 74, ईस्टर्न रीजियन में 71, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजियन में 120 एंड ओडिशा में 47, वेस्ट रीजन में 108, वेस्टर्न रीजन में जो 109 पोस्ट एंड साउथर्न रीजन में 74 एंड साउथर्न रीजन 2 बेंगलुरु साइड में 112। मतलब साउथर्न रीजन में दो जगह है, एक हैदराबाद है और दूसरा बेंगलुरु है। तो कुल मिलाकर 1151 वैकेंसीज दिया गया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपका एज लिमिट 18 मतलब प्लस होगा, मतलब लेस देन 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन होने के लिए आपको मेरिट होने के लिए आपको कुछ मतलब एग्जामिनेशन देना होगा। तो आपका जो मार्क्स है, आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो मार्क्स है, उसका पास आउट का जो मार्क्स है, उस मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। उस मार्क्स का भी स्कोरिंग किया जाएगा, उसके बाद कुछ इंटरव्यू आपको लिया जाएगा। 11,000 से 15,000 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ITI कैटेगरीज आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। BA BTEC डिप्लोमा कैटेगरीज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो एप्लीकेशन का जो फीस है मतलब वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी इसका लास्ट डेट जो रहेगा 31 जुलाई, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक यहाँ पे पूरा का पूरा मैं दिया हुआ हूँ, फिर भी आप नोटिफिकेशन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो दिखाने से पहले जरूर कहूँगा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मतलब यहाँ पे अप्लाई बटन और नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इस दोनों में दोनों लिंक में एक एक करके जाना। तो एक एक करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ अप्लाई करने का बटन भी मिल जाएगा। तो जिस बटन में आप क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन वो बटन में जाकर आपको दिखा देंगे। और अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस में आपका जो मतलब एडवर्टाइज है उसको भेजना होगा, इस तरीके से अप्लाई करना होगा। फिर भी आपको यहाँ पे नीचे लिंक मिल जाएगा, तो क्लिक हैड टू अप्लाई बटन में क्लिक करना होगा। जब उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे चेक बटन है, उसको क्लिक करें। उसके बाद आपको जॉब का नाम सर्च करें, और जॉब का नाम सर्च करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है और इसी तरीके से आपको अप्लाई भी करना होगा। तो मिलते हैं इस तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।